हे hey, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्लियर करने के बाद, आज का ये पूरा टॉपिक देखने के बाद, आप किसी भी फायर फाइटर या फिर फायर वॉचर के इंटरव्यू में 100% गारंटी के साथ आप इंटरव्यू में सिलेक्शन करके आएंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। साथ साथ आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे फायर के बारे में, जिसमें फायर के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फायर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्लास ऑफ फायर भी कहते हैं। एंड देन फाइनली हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में, यानी फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के फायर के ऊपर अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्यूशर्स का यूज किया जाता है। तो आज इन सारे टॉपिक को हम पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। एक तरह से आपके लिए कंप्लीट ट्रेनिंग होने वाली है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, आप किसी भी फायर वॉचर के इंटरव्यू में 100% कंप्लीट कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी मेंटेनेंस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल फिटर या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन या फिर जनरल फिटर वगैरह के इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो उसमें भी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो उसमें भी आपसे टाइप्स ऑफ फायर या फिर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर या फिर फायर के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। और जाने से पहले, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे और भी इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर और फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में। तो आज इस पूरे टॉपिक के दौरान हम ये तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फायर डेफिनेशन के बारे में, आग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर, जिसे हम क्लास ऑफ फायर भी कहते हैं, कि फायर कितने टाइप्स का होता है। और फाइनली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर की, यानी जो भी फायर होते हैं उनको एक्सटिंग्यूश करने के लिए हम किस तरीके का यूज़ करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम फायर को एक्सटिंग्यूश करते हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक पर हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फायर क्या होता है, फायर का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज फायर? सो फायर इज अ केमिकल रिएक्शन और अ प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग इन विच फ्यूल इज इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट, टिपिकली गिव्स ऑफ लाइट, हीट, फ्लेम एंड स्मोक। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन है, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग है, यानी एक बॉन्डिंग की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि ईंधन को हम जलाते हैं, इग्नाइट करते हैं। ऑक्सीजन और ऊष्मा की उपस्थिति में किसी भी ईंधन को जलाने से एक रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसे हम आग का नाम देते हैं, जिसे हम आग कहते हैं। और आग जलने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो लाइट यानी प्रकाश, उसके साथ हीट यानी ऊष्मा, उसके साथ साथ फ्लेम और स्मोक यानी जिसे धुआं भी कहते हैं। तो एक बार पूरा फिर से अच्छे से समझेंगे कि आग क्या होता है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ईंधन को ऑक्सीजन और ऊष्मा की उपस्थिति में जलाया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें प्रकाश, ऊष्मा, फ्लेम और धुआं प्राप्त होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको दिख रहा है, यहां पे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट इज इक्वल टू फायर। ये क्या है, यानी किसी भी फायर को होने के लिए, यानी फायर होने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये देखिए यहां पे आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है, ये ट्रेंगल जो दिख रहा है ये एक तरह से इन्हीं को ट्रेंगल कहा गया है। ट्रेंगल क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये एक तरह से आपका त्रिभुज ही है, क्योंकि एक फिगर है जिसको आप देखिएगा, ये यहाँ पे
ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसमें ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक तरफ आपको फ्यूल दिखाया गया है, दूसरी तरफ हीट और तीसरी तरफ ऑक्सीजन, और ये तीनों को हमने मिला करके फायर ट्रायंगल का नाम दिया है। तो कहने का मतलब फायर तभी बनेगा जब हमारे पास ईंधन हो, ऑक्सीजन हो और साथ साथ उष्मा हो। अगर ये तीन चीजें आपके पास मिलती हैं तो ये तीनों चीजें मिल करके फायर का निर्माण करती हैं। अगर इन तीनों चीज में से कोई भी एक चीज अनुपस्थित है, अब्सेंस है, तो हम फायर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब इसे हम फायर ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। तो अभी तक हमने क्लियर किया कि फायर क्या है, फायर के साथ साथ हमने फायर के कंपोनेंट्स को देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट से मिलकर के हमारा फायर बनता है। और सबसे खास बात कि ये तीनों चीजों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये फायर ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लेट अस सी हाउ फायर ऑकर्स, यानी फायर कैसे होता है। तो इस चीज को हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया कि फायर में क्या होता है कि देयर मस्ट बी थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट। किसी भी फायर को होने के लिए कम से कम हमारे पास तीन एलिमेंट होने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद हीट और सबसे खास और अहम चीज होता है वो फ्यूल यानी ईंधन का होना। ये तीनों चीजें होने के बाद ही हम फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि when all three elements come together, यानी जब ये तीनों एलिमेंट, ये तीनों तत्व एक साथ आएंगे तब ये क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया क्रिएट करते हैं जिसके चलते आग प्रोड्यूस होता है, यानी फायर होता है। तो ये चीजें हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि फायर कैसे होता है। फायर होने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल होता है, और ये तीनों चीजें जब एक साथ इकट्ठा आती हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप हमें आग मिलती है, यानी आग प्रोड्यूस होती है, और इस आग के प्रोड्यूस होने के उपरांत हमें प्रकाश, उष्मा और धुआं जैसे अवशेष मिलते हैं। ये चीज अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने का एक और खास मकसद है। अगर ये आप टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं पूरा, जिसमें एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपकी फायर की एक ट्रेनिंग है, एक तरीके से सेफ्टी ट्रेनिंग आप समझ के चलिए। और खास इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का ये है कि जैसे ही आप ये वीडियो क्लियर करते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू में, अगर जैसे कि फायर फाइटर्स के लिए या फिर फायर वॉचर के लिए एक जॉब होती है जो कि अच्छा खासा वो एज अ लेबल जनरल फिटर या फिर मैकेनिकल फिटर के लेबल में ही होते हैं, वो ट्रेड कोई बुरा ट्रेड नहीं है, अच्छा है, ये सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेड होते हैं, इनमें भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है बाहर जाने पर। तो इसके इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कभी भी फेल नहीं होंगे, हर एक सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को मेरा बनाने का एक ही मकसद है। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको पीडीएफ भी मैं दूंगा। तो भाई, अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, आपके लिए बनाया है, सब कुछ थोड़ा मेहनत जरूर है इसमें, काम में मेहनत लग रहा है, तो इसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए कि वीडियो को देखिए और जितना हो सके उतना एक बार शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी और पहले भी आ चुकी हैं, तो उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे फायर के बारे में, तो हमने अभी तक बात किया फायर क्या होता है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर क्या होता है। फायर की अगर बात की जाए तो बेसिकली फायर को 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसे हम बेसिकली क्लास भी कहते हैं। 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो होता है क्लास ए, फिर क्लास बी, फिर क्लास सी, फिर क्लास डी, फिर क्लास ई, फिर क्लास एफ। अब इन क्लास के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस क्लास के अंदर कौन सा फायर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि किस क्लास के अंदर किस फायर को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास ए फायर के बारे में। क्लास ए फायर क्या होता है? इफ अ फायर ऑकर्स इन अ सॉलिड मटेरियल देन वी कॉल इट क्लास ए फायर, सच एज वुड, पेपर, टेक्सटाइल, फाइबर, कोल, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्लास ए फायर किसको कहते हैं?
क्लास ए फायर ऐसे फायर हैं जो सॉलिड मटेरियल्स में फायर होते हैं। अगर किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर फायर लगता है तो उसे हम क्लास ए कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले लें, जैसे लकड़ी में अगर आग लगा हुआ है, या फिर कोयले में आग लगा हुआ है, या फिर किसी कपड़े के अंदर लगा हुआ है, या फिर प्लास्टिक या फिर रबर, इस तरीके से जो भी ठोस पदार्थ हैं, कहने का मतलब जितने भी ठोस पदार्थ के अंदर कोई भी आग लगता है तो उसे हम क्लास ए फायर की कैटेगरी में रखते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। सबसे पहले हमने बात किया क्लास ए फायर के बारे में। तो जितने भी ठोस पदार्थ हैं, किसी भी ठोस पदार्थ में अगर फायर होता है तो उसे हम क्लास ए फायर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जो अगला फायर है वो क्लास बी फायर है। क्लास बी फायर को देखते हैं। क्लास बी फायर क्या कह रहा है कि इफ़ अ फायर ऑकर्स इन अ फ्लेमेबल लिक्विड्स then we call it class B fire, such as petrol, diesel, oil, paints. यानी कहने का मतलब है कि ऐसा फायर जो flammable liquids के अंदर, यानी ज्वलनशील जो तरल होते हैं, liquids होते हैं, उसके अंदर कोई फायर होता है तो उसे हम class B category के अंदर रखेंगे। अच्छा, ये देखिए example भी दिया हुआ है कि अगर जैसे कि अगर petrol है, या फिर diesel है, या फिर कोई पेंट वगैरह है, या फिर कोई ऑयल वगैरह है, अगर उसमें आग लगती है तो उसे हम क्लास बी फायर के अंदर रखते हैं, ठीक है। क्लास बी फायर को समझने का बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर किसी भी लिक्विड में फायर होता है तो उसे हम क्लास बी फायर कहते हैं। देखिए, समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अगर एक बार मैं फिर से रिवाइज भी कर दूंगा, और एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना आप, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको देख जरूर लेना आप लोग, फिर से रिवाइज कर लेना तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्लास सी फायर क्या होता है। क्लास सी फायर कह रहा है कि इफ़ अ फायर ऑकर्स इन अ फ्लेमेबल गैसेज देन वी कॉल इट क्लास सी फायर सच एज मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए, कहने का मतलब है कि क्लास सी फायर जो है, जितने भी ज्वलनशील गैसेस होती हैं, जैसे हमारा एलपीजी गैस होता है, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन वगैरह होता है, तो अगर उसमें फायर लगता है, या फिर मेथेन में फायर लगता है, या प्रोपेन, मतलब जितने ज्वलनशील गैसेस हैं, अगर उसके अंदर फायर होता है तो उसे हम क्लास सी फायर कहते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे क्लास ए के अंदर हमने बात किया कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, अगर उसके अंदर फायर होता है तो उसे हम क्लास ए फायर कहते हैं। उसके बाद अगर जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसमें जो फायर होता है तो उसे हम क्लास बी फायर कहते हैं। और इसी तरीके से जितने भी ज्वलनशील जो गैसेज होती हैं उनके अंदर अगर फायर होता है तो उन्हें क्लास सी फायर कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्लास ए फायर के अंदर सॉलिड मटेरियल्स है, यानी ठोस पदार्थ है, क्लास बी के अंदर लिक्विड मटेरियल्स है, और क्लास सी के अंदर गैसेस हैं। अगर ये तीन तरह के अलग अलग मटेरियल्स के अंदर फायर होती हैं तो उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए अब आगे के फायर के क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। टोटल हमने 6 क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किया था, तो अभी तक हमने 3 देखा, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है क्लास डी फायर। अब देखिए, क्लास डी फायर क्या होता है। इफ़ अ फायर ऑकर्स इन अ मेटल्स ड्यू टू ओवर ईट देन वी कॉल इट क्लास डी फायर सच एज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, या फिर टाइटेनियम, सोडियम, इस तरीके से जो भी सॉलिड मेटल्स होते हैं, अगर किसी तरीके से ओवरहीट होने के बाद अगर उनमें फायर हो जाता है तो उन्हें हम क्लास डी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उन्हें क्लास डी फायर कहा जाता है। क्लियर है, क्लास डी फायर किसे कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो ओवरहीट होने के बाद फायर प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम क्लास डी फायर कहेंगे। अब क्लास ई फायर क्या होता है। तो If a fire occurs in electrically energized equipments, then we call it class E fire. देखिए, ऐसे equipment जिसमें electrically वो energized हो, जैसे अगर आपका AC चल रहा है, या फिर TV चल रहा है, यानी वो electrically active है, अगर उसमें fire लग जाता है, या कोई instrument है, electrical instrument है, उसमें fire लग जाता है, तो वो क्या हुआ, class E fire हुआ।
अगर एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड है तभी वो क्लास ई फायर होता है, नहीं तो उसे हम फिर क्लास ए के कैटेगरी में रख लेंगे। अगर इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड नहीं है, अगर आपने जैसे स्विच बंद कर दिया, सप्लाई ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिक का, तो वो क्लास ए फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन ले पाएं कि वो कौन सा फायर है, किस सिचुएशन में है। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई जा रही है तो वो क्लास ई फायर है, अदरवाइज वो फिर क्लास ए फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्लास बचा है हमारे पास फायर का, जो क्लास एफ फायर कहा जाता है। ये क्या है? इफ अ फायर ऑकर्स इन अ कुकिंग ऑयल्स और इन फैट्स देन इट इज कॉल्ड क्लास एफ फायर, वी कैन सिंपली से एज किचन फायर। अब देखिए, क्लास एफ फायर जो होता है वो सिंपली जैसे किचन वगैरह में आग लग जाती है तो उस फायर को हम क्लास एफ फायर के अंदर रखते हैं। किचन के अंदर कहाँ आग लगेगी? जैसे ऑयल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सब्जी वगैरह बना रहे हैं, या फिर जैसे चाउमीन वगैरह बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कई बार जैसे आग लग जाती है, तो इस तरीके का जो आग है, या फिर जैसे कोई फैट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम अपने किचन में, अगर उसमें आग लग जाती है तो इस तरीके के आग को हम क्लास एफ फायर के अंदर रखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमने 6 क्लास के बारे में बात किया, 6 तरह के फायर्स के बारे में बात किया, तो अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा कि 6 तरीके का फायर कौन कौन सा होता है। एक बार और आपको रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले हमने क्लास ए फायर के बारे में बात किया था, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स में अगर फायर होता था तो उसे क्लास ए फायर कहा जाता था। इसी तरीके से अगर फ्लेमेबल लिक्विड्स में अगर फायर हुआ तो उसे क्लास बी फायर हमने कहा, अगर फ्लेमेबल गैसेस के अंदर फायर हुआ तो उसे हमने क्लास सी फायर कहा। इसी तरीके से आगे जब किसी सॉलिड मेटल में अगर ओवरहीट होने के कारण फायर हुआ था तो उसे क्लास डी फायर कहा, और किसी इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट के अंदर फायर होता है तो उसे हमने क्लास ई फायर कहा, और फाइनली जो किचन में ऑयल्स यूज़ होते हैं या फिर फैट यूज़ होते हैं, अगर उसमें फायर होता है तो उसे हम क्लास एफ फायर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे फायर को, जितने भी फायर हैं, उनको 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर क्या है, यानी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में अब आगे बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि अगर कहीं पे फायर हो जाता है तो उसको एक्सटिंग्यूस करने का क्या तरीका है, उसको आग को बुझाने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम आग को बुझाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, किस एक्सटिंग्यूसर का यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूसर्स आर डिज़ाइंड टू फाइट अ डिफरेंट क्लास ऑफ रेटिंग्स ऑफ फायर। कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके के आग को बुझाने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग तरीके के फायर एक्सटिंग्यूसर्स का इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है कि फायर एक्सटिंग्यूशर टाइप वर्क बाय रिमूविंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द फायर इक्वेशन। ये खास समझने वाली बात है, इस चीज को, सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि कह रहा है कि किसी भी फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए, यानी किसी भी आग को बुझाने के लिए, हमने शुरू में बात किया था कि फायर ट्रायंगल के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि पहला हीट होता है, फिर फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होता है। ये हमने फायर ट्रायंगल के बारे में बात किया था। तो किसी भी आग को बुझाने के लिए इन तीन एलिमेंट में से, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इनमें से एक या फिर दो या फिर तीनों या फिर कम से कम किसी एक एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करने पर ही फायर को एक्सटिंग्यूश किया जा सकता है। इसी को दूसरे पॉइंट के अंदर कहा गया है। तो इस पॉइंट को काफ़ी ध्यान में रखना है कि किसी भी फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए उसके किसी भी एक एलिमेंट को फायर से हमें हटाना होगा, तभी हम फायर को एक्सटिंग्यूश कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास एक्सटिंग्यूशर कौन सा है। तो सबसे पहले है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्या कहता है कि वर्क बाई अटैकिंग द हीट एलिमेंट ऑफ द फायर इक्वेशन। वाटर एक्सटिंग्यूशर्स शुड ओनली बी यूज ऑन क्लास ए फायर दैट इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक पेपर, वुड, फाइबर एंड कोल।
अर्थात कहने का मतलब है कि जो फायर एक्सटिंग्यूशर है, वो जो फायर का इक्वेशन था उसमें हमने तीन एलिमेंट के बारे में बात किया था, उसमें से अगर हीट एलिमेंट को हटा दिया जाए तो वो फायर को एक्सटिंग्यूश करेगा। यानी जब हम वाटर एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ से हीट को रिमूव कर देता है। हमने कहा था कि किसी भी फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए, रिमूव करने के लिए फायर को किसी भी एक एलिमेंट को वहां से हटाना होगा, तो फायर एक्सटिंग्यूशर जो है वो किसी ना किसी एक एलिमेंट को वहां से हटाता है। तो यहां पर हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि इस तीनों एलिमेंट में से हीट पर अटैक करता है और हीट को उस फायर के इक्वेशन से निकाल के बाहर फेंकता है। और खास करके ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर है ये हम क्लास ए कैटेगरी पर यूज़ करते हैं। क्लास ए में हमने पढ़ा था कि जितने भी सॉलिड फायर होते हैं उसे हम क्लास ए की कैटेगरी में रखते हैं। तो जितने भी क्लास ए की फायर हैं उनको एक्सटिंग्यूश करने के लिए हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेपर, लकड़ी, कोयला, फाइबर या फिर इस तरीके के जितने भी फायर हैं उनको एक्सटिंग्यूश करने के लिए हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक फिगर में आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्यूशर वाटर टाइप है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का जो कलर लेबल होता है, कलर कोडिंग इसलिए किया होता है कि कभी कभी साइट पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको आसानी से कलर पहचान में आ जाए और कलर को पहचान करके वो आसानी से पहचान जाए कि ये कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो लेबल दिया गया है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का, उसका ब्राइट रेड कलर दिया गया है। तो इस तरीके से कोई भी आसानी से पहचान जाएगा कि रेड कलर में वाटर एक्सटिंग्यूशर होता है। अगले एक्सटिंग्यूशर की हम बात कर रहे हैं तो अगला हमारा एक्सटिंग्यूशर आता है फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। वर्क बाय रिमूविंग द हीट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ द फायर इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर शुड ओनली बी यूज्ड ऑन क्लास ए एंड क्लास बी फायर एंड शुड नेवर बी यूज्ड ऑन क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोकॉशन हैजार्ड। अब देखिए ये बड़ा ही खास बात है, इसको समझना जरूरी है कि जो फोम फायर एक्सटिंग्यूशर है वो क्या करता है। जो फायर का इक्वेशन था हमारे पास हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, तो इसमें ये क्या करता है कि जो फोम होता है वो ऑक्सीजन और हीट को फायर इक्वेशन से निकाल के बाहर फेंकता है। यानी इस इक्वेशन में से ये दो चीज़ों को वहां से हटाता है, एक तो हीट और दूसरा ऑक्सीजन। इस प्रकार ये दोनों चीज हटाने के बाद फायर एक्सटिंग्यूश हो जाता है। और ये यूज कहाँ होता है, ये ज़्यादातर क्लास ए फायर यानी सॉलिड जो मटेरियल्स के चलते फायर होते हैं उनको बुझाने में मदद करता है, और दूसरा क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स के चलते जो फायर होते हैं उनको हटाने में मदद करता है। और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि नेवर बी यूज ऑन क्लास सी एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी इनका यूज़ हम कभी भी क्लास सी यानी फ्लेमेबल गैसेस के चलते जो फायर होते हैं उन पे और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट के चलते फायर होते हैं उन पे, इन दोनों पे हम कभी भी इस फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो ये क्या करेगा कि आग को बुझाने की बजाय और भी तेजी से फैला सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोम टाइप का ये फायर एक्सटिंग्यूशर का आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको जो पहचानने का तरीका है, इसका जो कलर लेबल है वो क्रीम होता है, क्रीम कलर लेबल होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका पट्टा दिखाई दे रहा होगा क्रीम कलर का जिसपे फोम लिखा हुआ है। तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसका जो कलर लेबल है वो क्रीम कलर का होता है। इस तरीके से हम इस फायर एक्सटिंग्यूशर को आसानी से पहचान जाएंगे। तो अभी तक हमने बात किया पहला वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का, जिसमें हम क्लास ए टाइप के होने वाले फायर को एक्सटिंग्यूश करते हैं, और दूसरा हमने बात किया अभी फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स का जो क्लास ए के साथ साथ क्लास बी को भी एक्सटिंग्यूश करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन कौन सा टाइप्स है फायर एक्सटिंग्यूशर का। तो अगला टाइप है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। ये कैसे काम करता है, तो वर्क बाई अटैकिंग द ऑक्सीजन इन अ फायर। दिस ऑल्सो वर्क टू रिमूव हीट ड्यू टू अ वेरी कूल्ड डिस्चार्ज। CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर शुड ओनली बी यूज ऑन क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड क्लास बी कंबस्टिबल लिक्विड फायर्स।
यानी कहने का मतलब है जो CO2 एक्सटिंग्यूशर है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर है, ये क्या करता है कि सबसे पहले फायर के इक्वेशन से ऑक्सीजन को रिमूव करता है, यानी ऑक्सीजन को वहाँ से हटाता है। ऑक्सीजन हटाने के साथ साथ ये हीट को भी रिमूव करता है, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होता है तो काफ़ी ठंडा भी होता है, कोल्ड होने के कारण ये हीट को भी रिमूव करता है, साथ साथ ऑक्सीजन तो रिमूव करता ही है। ऑक्सीजन CO2 क्या करेगा कि O2 से रिएक्शन कर लेगा, और O2 से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देगा फायर से। तो इस तरीके से हम फायर को एक्सटिंग्यूश कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लास CO2 जो फायर एक्सटिंग्यूशर है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ होता है, और क्लास बी जो फायर होता है जैसे कंबस्टिबल लिक्विड्स हमने कहा था, उसको भी एक्सटिंग्यूश करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर को कैसे पहचानेंगे? इसका जो लेबल होता है ये बिल्कुल ब्लैक होता है, कलर का लेबल क्या है, ब्लैक है। ब्लैक लेबल से आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये फायर एक्सटिंग्यूशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर है। अगला हमारा जो फायर एक्सटिंग्यूशर है, सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट फायर एक्सटिंग्यूशर है, जिसे हम DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। ये एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरली वर्क बाय इंटरप्टिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर, अ वेरी वर्सटाइल फायर एक्सटिंग्यूशर, दीज आर रेटेड टू बी इफेक्टिव ऑन क्लास AB and C फायर्स, सिंस ABC फायर आर द मोस्ट कॉमन, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज इन होम फायर सिचुएशंस। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि जो DCP ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर्स हैं वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों फायर पे काम करते हैं। यानी अगर सॉलिड के चलते फायर हुआ है, या फिर लिक्विड के चलते हुआ है, या फिर गैस के चलते हुआ है, अगर ये तीनों तरीके के फायर हैं, इन तीनों तरीके के लिए हम इफेक्टिव तरीके से DCP ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से इसे हम ABC फायर एक्सटिंग्यूशर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों तरीके के फायर को एक्सटिंग्यूश करता है, इसलिए इसे हम ABC फायर एक्सटिंग्यूशर भी कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका जो लेबल होता है वो ब्लू होता है। देखिए, एक्सटिंग्यूशर है, एक्सटिंग्यूशर के ऊपर जो ये पाउडर लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का इसके पट्टा होता है। ABC फायर एक्सटिंग्यूशर है, जिसे हम DCP भी कहते हैं, या फिर ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो घुमा फिरा कर यही सारे सवाल पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर पे कौन सा लेबल लगा होता है, अगर ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्यूशर है तो उस पर किस कलर का लेबल लगा होता है। तो यही सब छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में, और अगर आप फायर वाचर के लिए जा रहे हैं कहीं पे इंटरव्यू देने, या फिर अगर आप मेंटेनेंस में भी हैं तो अचानक कहीं पे भी अगर फायर होता है तो आपको ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है। वैसे आप जब भी जाएंगे कंपनी में तो आपको एक ट्रेनिंग, अलग से सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर आप खास करके इसी के लिए जा रहे हैं, जैसे फायर फाइटर के लिए या फिर फायर वाचर के लिए जा रहे हैं, तो भाई इंटरव्यू में तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा आपको सिलेक्शन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप हो सकता है जानते भी हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम हो सकता है कि आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसका जो PDF मैं दूंगा, उस PDF को आप डाउनलोड कर लेना, और इंटरव्यू देने से पहले एक आध घंटे पहले एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, जो आपको मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो अगला हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि वर्क बाय फर्स्ट रिमूविंग द हीट एलिमेंट ऑफ द फायर एंड देन प्रिवेंटिंग री इग्निशन बाय क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द फ्यूल एलिमेंट। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर वॉज स्पेशली डेवलप्ड फॉर क्लास K फायर्स that involves cooking oil and fats. Most often these fire occurs in commercial restaurants and cafeteria settings. ये देखिए, जो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर है, इसका कहने का मतलब है कि ये सबसे पहले क्या अटैक करता है, हीट एलिमेंट के ऊपर अटैक करता है और फायर से हीट को सबसे पहले बाहर निकालता है। इसके बाद क्या करता है कि जो फ्यूल एलिमेंट और ऑक्सीजन होता है उनके बीच में बैरियर क्रिएट करता है और फिर से री इग्निशन को
प्रिवेंट करता है, रोकता है और आग को आगे बढ़ने से रोकता है और इस तरीके से फायर को एक्सटिंग्यूश करता है। ये जो है वो खास करके कुकिंग किचन फायर्स जो होते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल के चलते या फिर फैट्स के चलते जो फायर होते थे, उनको रोकने के लिए ये काफ़ी हद तक फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर ये जो फायर्स होते हैं वो कमर्शियल रेस्टोरेंट्स के अंदर या फिर जो कैफेटेरिया होता है उसके अंदर जो फायर लगते हैं, तो उसके अंदर इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इस पे जो लेबल लगा होता है वो येल्लो कलर का होता है। इस एक्सटिंग्यूशर का जो लेबल होता है वो येल्लो होता है, इस तरीके से हम इसे भी आसानी से पहचान जाएंगे। अगला हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर है, अगला ये लास्ट फायर एक्सटिंग्यूशर है जिसे हम कहते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर। ये क्या करता है, वर्क बाई सेपरेटिंग द फ्यूल फ्रॉम द ऑक्सीजन of a fire. These are only for use in class D fires that involves combustible metals like magnesium, titanium, potassium and sodium. The powder agent may be powdered graphite, granular sodium chloride and copper based, all of which are effective at separating the fuel, the ignited combustion metals from the oxygen. देखिए, ड्राई पाउडर जो फायर एक्सटिंग्यूशर्स होता है ये खास करके क्लास डी फायर के लिए बनाया जाता है। क्लास डी फायर के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि क्लास डी फायर के अंदर वो सारे फायर आते हैं जो मेटल्स के अंदर ओवरहीट होने के कारण लगते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बारे में हमने कहा था। तो अगर इनके चलते जो फायर होता है तो इनको एक्सटिंग्यूश करने के लिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है कि सबसे पहले सेपरेट करता है फ्यूल को ऑक्सीजन से, और जब फ्यूल को ऑक्सीजन से सेपरेट कर देगा तो वहाँ पे क्या होगा, फायर एक्सटिंग्यूश होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनका फायर ट्रायंगल है वो ब्रेक हो जाता है, और कहीं भी अगर आप एक बार फायर ट्रायंगल को ब्रेक कर देते हैं तो फायर को एक्सटिंग्यूश होना ही है। आगे क्या कह रहा है कि इसमें जो एजेंट होते हैं इस एक्सटिंग्यूशर के अंदर वो खास करके ग्रेफाइट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और कॉपर बेस्ड कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि फ्यूल को ऑक्सीजन से अलग करने में मदद करते हैं। इस तरीके से जब एक फायर ट्रायंगल ब्रेक होता है तो फाइनली फायर को एक्सटिंग्यूश होना पड़ता है, और इस तरीके से फायर एक्सटिंग्यूश भी हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात किया, सबसे पहले हमने फायर के बारे में बात किया, फायर के बाद हमने देखा कि फायर को कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, और फाइनली हमने बात किया कि फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए यानी बुझाने के लिए किन किन फायर एक्सटिंग्यूशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच फायर एक्सटिंग्यूशर क्लासिफिकेशन इज राइट फॉर यू, यानी आपके लिए एक सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया फायर एक्सटिंग्यूशर की अगर बात की जाए तो वो कौन सा हो सकता है। तो आपने देखा कि इसमें सारे जितने भी फायर एक्सटिंग्यूशर्स हैं सब एक अलग अलग प्रकार के फायर के लिए बनाए गए हैं, यानी फायर के सिचुएशन के आधार पे फायर एक्सटिंग्यूशर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इन सब में जितने भी फायर एक्सटिंग्यूशर हैं उन सब में अगर आपके लिए एक बेहतर चुनने के लिए कहा जाए कि ऐसा फायर एक्सटिंग्यूशर जो आपके लिए ऑलमोस्ट हर तरीके से मदद करे तो वो कौन सा हो सकता है, तो आप बड़े ही आसानी से जो इस्तेमाल करने वाला फायर एक्सटिंग्यूशर है वो ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हमने नाम भी दिया था DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। DCP को ही हमने ABC टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर भी कहा था, क्योंकि ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी टाइप के फायर पे आसानी से काम करता है और उनको एक्सटिंग्यूश करने में मदद करता है। इस तरीके से अगर ये सवाल हमारे लिए पूछा जाए कि किस तरीके का फायर एक्सटिंग्यूशर हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा, तो हमारा जवाब यही होगा कि ABC टाइप जो फायर एक्सटिंग्यूशर है वो हमारे लिए सबसे बढ़िया और बेहतरीन फायर एक्सटिंग्यूशर साबित हो सकता है। और अगर स्पेशलाइज्ड तरीके की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्यूशर की ज़रूरत होती है हमें इफ़ेक्टिव तरीके से फायर फाइटिंग के लिए, अलग अलग तरीके से आग को अलग अलग तरीके से बुझाने के लिए अलग अलग तरीके के फायर एक्सटिंग्यूशर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हमने ऊपर आपको बताया भी है। तो एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक एक बार रिवाइज कर लेना, और जो PDF मैं दूंगा उस PDF को एक बार पढ़ लेना, तो इस तरीके से आपका पूरा
क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी इंटरव्यू में आसानी से, जो भी फायर वाचर होते हैं उसके इंटरव्यू के लिए आप आसानी से आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बढ़िया देखिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक तो वीडियो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा काफ़ी टाइम भी लग रहा है, मेहनत भी लग रहा है, तो इस मेहनत को आप बेकार ना जाने दें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और जाने से पहले सुन लो, आपके लिए एक शायरी भी लिखी है मैंने। कहते हैं कि रो कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी में खो कर पाने का कुछ मज़ा ही और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो जाने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लो कि अगर आपको PDF वगैरह चाहिए या फिर और भी आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप www.sonusinghyoutube.com पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपडेटेड आर्टिकल्स तो मिलेंगे, साथ साथ में जितने भी आपके PDF अपलोड होंगे आने वाले टाइम में वो सारे इसी वेबसाइट के थ्रू, इसी ब्लॉग के थ्रू आपको मिलेंगे। तो इसको रेगुलर आप विजिट करते रहें ताकि जो भी अपडेट इसमें आए आप आसानी से उसको ग्रैब कर लें। जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो भाई ये सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आगे और भी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तब तक के लिए आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।